गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूँ। और हम सभी बहुत अच्छे हैं। कल ही हम शादी से वापस आए और आते ही मुझे इतने क्लाइंट्स थे कल, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी हो रखी थी और शादी का सीज़न है। शादियों के सीज़न में छुट्टी बहुत महंगी पड़ती है, तो मैं पूरा दिन कल पार्लर में बिजी थी, तो आप लोगों से बात नहीं कर पाई। और अभी भी मुझे मेकअप के लिए निकलना है, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, रेडी होंगी। उससे पहले मुझे पार्लर जाके ज्वेलरी बॉक्स भी लेना है, क्योंकि मुझे जो बेबी शॉवर का मेकअप है, आज क्लाइंट ने थोड़ा लेट बताया उनको कौन सी ज्वेलरी चाहिए, तो वो अभी लेके आनी है मुझे। और फिर वहीं से निकलना है, राज आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। वैसे भी राज निकल रहे हैं, मैं राज से भी आपको मिला देती हूँ। उनका भी आज संडे, तो वो भी आज बिजी है। देखिए राज से बात करेंगे। राज, गुड मॉर्निंग। आएगा ना तू लेने पक्का मुझे? तो राज मुझे छोड़ने आ रहे, क्योंकि वो थोड़ा दूर है। अगर नज़दीक होता तो मैं ऑटो करके चले जाती। नौनगर जाना है और ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा रोड रास्ता है, और वहाँ जाने का फिर मुझे वो एड्रेस, मैं जाऊँगी अकेले तो मुझे नहीं मिलेगा। ये आएगा तो इसको मिलेगा। ये दुनिया में हर एड्रेस को लेके जाता है आराम से, तो ये आएगा मुझे लेने। अभी तो फिलहाल जा रहा है, 9 बजे आ जाएगा। अभी 8 बज चुके हैं, 9 बजे आएगा, फिर मैं निकलूँगी। उससे पहले मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करके, बाय राज, ब्रेकफास्ट रेडी करके, चिक्की को उठा के, उसकी सारी चीज़ें ख़त्म करके खुद रेडी होके निकलना है। मेरे पास पूरा 1 घंटा बाकी है। वैसे 1 घंटे में भी 10 मिनट निकल चुके हैं। एक एक मिनट बहुत महंगा हो जाता है जब ऐसे काम रहते हैं सुबह सुबह। और क्योंकि संडे है तो बच्चे भी उठ ही नहीं रहे। अभी मैं उठा के आऊँगी तेजू। तेजू को चिक्की एक्चुअली उठ चुकी है, चिक्की उठ चुकी है, पता है? तेजू जानू नहीं उठ रहे। हाँ बाय। बाबा देखो चिक्की उठ के बुला रही है, बाय राज बाय, चिक्की उठ के बुला रही है, आओ मैं उठ चुकी हूँ करके। बाकी के दोनों बच्चे, और आज जानू का भी एग्जाम है, उसको भी उठा रहे हैं। आज उसका पेपर है, उसको भी उठाती हूँ। चलो उठाते बच्चों को, उठाते मिशन। अरे गैस लो करना मिशन, बच्चों को उठाना स्टार्ट करते हैं। किचन भी क्लीन करना है। कल रात को मैं बहुत लेट आई ना, तो मैं किचन नहीं क्लीन कर पाई। जाना ये देखो, ये बच्चा देखो, बड़ा बच्चा बुक लेके ही सोता है। ऐसे ट्रांसफ़र होते रहता है डेटा, यहाँ से डेटा यहाँ जाते रहता है, यहाँ से डेटा यहाँ जाते रहता है। जानो ओए येड़ना हो बेकल, नीनू हो बेकल, ओ देना हो बेको माँ। अभी हम उठाएंगे चिक तेजू को। तेजुड़ी तेजुड़ी, ये देखो तेजुड़ी अपना बड़ा सा टेडी बेयर लेके कैसे सोली, कैसे सोली, कैसे सोली। ए से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। अरे नहीं उठ, तू मुझे निकलना है ना, पता है तुम्हें? उठ उठ। और ये देखो करिया थक हार के आके सो रहा है। हो गया ना, अभी वॉकिंग हो गई उसकी सुबह की, थक गया है वो। और ये हमारी चिकुड़ी, चिकुड़ी 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 खराब हो गई थी चिकुड़ी की शादी से। एक्चुअली शादी के दिन सुबह ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसको लूज मोशन लग गए थे, उसको थोड़ा भी नहीं जमता बाहर कुछ भी। और वैसे देखे तो हमने उसको बिल्कुल भी बाहर का पानी गिनी नहीं पिलाया, तो भी कुछ खाने पीने में उसको थोड़ा कम ज्यादा हो गया था। तो फ्रेंड्स आपसे ना मैं थोड़ा रेडी होके जब निकलूंगी ना, तब वापस मिलती हूँ। ओके खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। साबुत में खिचड़ी दिखा रही है, देखो इनको दिखा दो। वैसे मैंने अभी ऑलरेडी आधी प्लेट खा चुकी हूँ। राज आ रहे हैं, मुझे निकलना है। मेरे बैग तो वैसे रेडी है, मैं ज्वेलरी लेनी है, निकलनी है। ऑलरेडी 15 मिनट आ गए, इसलिए बोला ना ऑलरेडी 9। आधा घंटे चाहिए मुझे वहाँ पहुँचने के लिए, 9:30 बजे पहुँच जाऊँगी। मैंने 9:30 का टाइम दिया। एक है ऑलरेडी, वो निकाल पहले, वो निकाल और रिंग लाइट भी रख ले। तेजू मुझे हेल्प करने आई है, वो निकाल। उसके अंदर एक और एक पार्ट होगा, वो एक्स्ट्रा है। हाँ वो निकाल के रख, इसको रख। हाँ इसको रख, रिंग लाइट में बैग में डाल दूंगी। बैग का है, बैग भारी छोड़ी पागल। चलो चलो चलो, मैं ले। हाँ
नाश्ते मैलडे दन। तो ज्वेलरी अभी ये ज्वेलरी उन्होंने फाइनल की है, तो ये ज्वेलरी मैं लेके जा रही हूँ। ओ शिट, क्या हो? मुझे ना टूट ही गया। राय जाने से पहले बाहर खड़े रहना रेडी होके। इधर कहाँ? इसमें बैठेगा नहीं ये बॉक्स, ये भी नहीं बैठेगा। कैसे बैठेगा? नहीं, वही छोटे बॉक्स में शिफ्ट करती रुक। भर ले लेंगे। यो ब्लैक वुलन तो कभी कितना है? इधर बेताल में हाथ तक उसका बड़ा है, और एक वुलन चाहिए था थोड़ा ब्लैक वुलन। मशीनरी सारे इसके अंदर रखती है मैंने। कभी रिंग लाइट एक नहीं बैठेगा उस पर? बैठेगा? नहीं बैठेगा। रहा इधर रख दो ना, इसमें इसमें कहाँ उसके अंदर है। हाँ चेक कर बैठेगा क्या। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ मेकअप ला चल ले। हाँ नौना कर ला। देखो बेटा ये हाँ मुहूर्त आहेत सगळे, लेट झाले मी आता। इतकी सी बॅग आहे लेकिन हर चीज पकड लेती है ना। चलो बॅग रेडी, ये भी रेडी मैं भी रेडी। राज नहीं आया अभी। कॉल ये बस। तो मेरी क्लाइंट अभी आई नहीं थी, वो पूजा में बैठी थी। तो जब तक वो पूजा में बैठी थी मैं वो अपनी सारी तैयारी कर रही थी, यहाँ पे साड़ी को पिनअप करके रख रही थी ताकि वो आए तो फास्ट हो, क्योंकि यहाँ से उनको फिर हॉल के लिए निकलना है जहाँ पे मेन फंक्शन होने वाला है। घर पर पूजा थी और फंक्शन दूसरी जगह हॉल पर था। तो मैंने अपना मेकअप सेटिंग सब करवा के रख दिया था और पूरा बेड पर ही मैंने करवाया, क्योंकि घर पर मेकअप करने आई थी मैं। अभी मेरी क्लाइंट आएगी तो मैं मेकअप स्टार्ट करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी कि मैं बेबी शॉवर का मेकअप मैं कैसे कर रही हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि शायद मैं पूरा वीडियो मेकअप वीडियो बना पाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा, मुझे फास्ट काम ख़त्म करना है। और यहाँ पे एक्चुअली मेरे क्लाइंट ऑलरेडी मैं रेडी कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। मैं जैसे कि आपको बोली कि मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि असिस्टेंट भी नहीं थी, मैं अकेले गई थी, तो वीडियो बनाने के लिए मैं किसी को वहाँ पे फोर्स नहीं कर सकती थी। फिर भी मुझे उन लोगों ने बहुत हेल्प की, शॉर्ट वीडियोस के लिए उन्होंने मुझे हेल्प करके वीडियोस बनाने दिया। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया, अगर आपने देखा नहीं तो मैं लिंक दे दूँगी, ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी प्यारा वीडियो बना है और मेरी क्लाइंट काफ़ी प्यारी लग रही थी, उन्हें मेरा मेकअप काफ़ी पसंद आया एंड आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। चलिए यहाँ से हम सब लोग मिलके हॉल गए थे, राज मुझे वहीं पे पिकअप करने आने वाले थे। तो देखिए मेरी क्लाइंट बहुत ही सुंदर दिख रही है, तो चलिए अभी घर चलना है, पहले सब पैक कर लूँ। मेकअप हो चुका है फ्रेंड्स, अब मैं पैकिंग कर रही हूँ, जल्दी जल्दी निकलना है। सभी लोग निकल चुके हैं, राज आएंगे मुझे लेने के लिए। मुझे थोड़ी पैकिंग करनी है, आपसे थोड़ी देर वापस मिलती हूँ। हाय फ्रेंड्स, सॉरी बट क्या करें, इतनी थकान हो गई है ना, मतलब पूजा की शादी की थकान ही नहीं उतर रही है। शादी से वापस आए आते ही इमिडिएट क्लाइंट से, तो उस दिन मैं व्लॉगिंग नहीं की, मैंने फुल डे मैंने क्लाइंट अटेंड किए। संडे मॉर्निंग हम आए थे और उसी दिन पूरे रात तक मुझे 10:45 ऑलमोस्ट 11 तब तक क्लाइंट ने, मैं जो सुबह की जो आई थी 10 o'clock पार्लर, मैं रात को 10:45 को ऊपर गई हूँ घर। तो उस दिन भी मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई और आज का दिन तो आपने देखा ही है, सुबह से बहुत बिजी थी। मेकअप से आने के बाद घर में थोड़ा सा कुछ बना के वही उपिट मतलब खाया, उपमा वही मैंने भी खाया, मेरे बच्चों ने भी खाया और अभी सभी रेस्ट कर रहे हैं। और अब मैं पार्लर में हूँ, कुछ 6:30 हो रहे, मैं 5 बजे वापस आई, आने के बाद फिर क्लाइंट थे, तो अब मैं फ्री हुई हूँ, अब आपसे बात कर रही हूँ। और मैं बहुत थक गई हूँ और वापस रात को खाना बनाना है, क्योंकि उपिट बनाया था और रात के खाने में कुछ नहीं बनाया, अभी बनाना है रात में खाना। लेकिन सच बोलूं
देख रहे हैं नींद नहीं हो रही है, मतलब पूजा के शादी के दिन पिछले दो दिन पहले जब हम गए तो ऑब्वियस है शादी का घर है तो नींद होती नहीं है, और इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतनी बातें करनी होती है, सारे रिलेटिव्स से मिलते, सारे रिलेटिव्स के साथ हमने रात भर बैठ के 3-3 बजे तक बातें की है, और फिर शादी सुबह ही उठ के हमने फिर शादी अटेंड की है, फिर दूसरे दिन सुबह हम घर के लिए निकले, सुबह सुबह निकले थे तो बहुत लेट, मतलब नींद नहीं हुई थी रात को भी, और ड्राइविंग करते टाइम रात के बाजू में जब हम बैठते हैं तब सोना नहीं होता, ये चिकली होता है, फिर भी बीच बीच में मैंने नींद मारी है, फिर घर आए, घर आने के बाद फिर काम, तो इस वजह से क्या है ना ये 4-5 दिन की जो नींद बच गई है ना तो वो मुझे सोने नहीं दे रही, मतलब बैठने नहीं दे रही, बहुत ऐसे नींद आ रही है। अभी तक का तो यही अपडेट है, अब मैं क्लाइंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर इतने दिन बिग बॉस होता था तो देखना होता था, बिना देखे मैं सोती नहीं थी, तो रोज़ 12 बज जाते थे, तो आज से मैं जल्दी सोऊंगी। और मैंने ये भी सोचा है कि कल से मैं वॉक पे जाऊंगी। ये ऐसा मैंने सोचा है, लेट्स होप। तो अभी क्या हुआ है, सुबह जो मैं मेकअप करके आई थी उनका फ़ोन आया था कि ज्वेलरी भेज रहे वो अभी, तो अभी वो आ रहे तो मुझे रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं फिर ऊपर जाऊंगी, फिर वो आएंगे, फिर मुझे नीचे आना पड़ेगा, तो अभी मुझे यहीं पे वेट करना पड़ेगा, वो अभी ज्वेलरी लेके वापस आ रहे हैं, क्योंकि जो तो फ्रेंड्स ज्वेलरी बॉक्स लेके वो अभी आए, तो अभी उन्होंने देखे भेजा है, तो पहले मैं चेक कर लूँ फिर हम घर के लिए निकलेंगे। फ्रेंड्स मैं घर आई हूँ और आते आते अंडे भी लेके आई हूँ, अब मैं बनाऊँगी अंडे की सब्ज़ी और रोटी, और किचन देखे मेरे बच्चों खा पी के ऐसे छोड़ देते बाबा, अभी सब क्लीन करना है, पहले अंडों को सही सलामत उतार दूँ। हाँ, और आज किचन की हालत इतनी ख़राब है ना मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, मैं नहीं दिखाऊंगी, पूरा साफ़ होने के बाद ही दिखाऊंगी, अभी मैं फ्रेश हो जाऊंगी, खाना पकाऊंगी, उसके बाद आपसे वापस मिलूंगी। और तेजू सो रही है, मैं ऐसे भी बस जा रही देखो मुझे डराने के लिए रखते हैं, ऐसे चेयर पे दो डॉल रखते जैसे कॉन्जरिंग की डॉल होती ना, मैं डर जाऊँ ऐसे, इसे देखो कैसे रखे थे, कैसे रखे, बट मैं नहीं डरती। अब मैं फ्रेश होती हूँ, आपसे थोड़ी देर वापस मिलती हूँ खाना गिना पकाने के बाद। कैसा हुआ? मस्त हुआ। अपन जी कैसा हुआ? मस्त हुआ। चिक्की कैसा हुआ? मस्त है ना? बिजी है खाने में। तो फ्रेंड्स हम सब अभी खाना खा रहे हैं, तेजू खाना खा सो चुकी है, और ये देखो मुझे डांट रही है, मैं और चिक्की साथ खा रहे, ये दोनों यहाँ बैठ के खा रहे, वो पीछे बैठी। तो खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं, बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना खा ले फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। अमर तो फ्रेंड्स सबका खाना हुआ, सब रेस्ट कर रहे, अपने अपने बच्चे अपने अपने रूम में चले गए, अपने अपने बच्चे, मेरे दो बच्चे खेल रहे हैं, हमारे चारों बच्चे, चार नहीं तीन चार पांच, हाँ पांच बच्चे, देखो बच्चे इतने हो गए कि याद भी नहीं है गिनती। अच्छा तो पांचों बच्चे खाना पीना खा के सो रहे, और अभी हम थोड़ा न्यूज़ देख रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस नहीं है देखने के लिए, अभी 4 महीने की आदत कि बिग बॉस देख के ही सोना, अभी बिग बॉस नहीं है तो मैं क्या देखूंगी, मैं कुछ नहीं देखूंगी, मैं थोड़ा फ़ोन देख के सो जाऊंगी, अपना एडिटिंग का काम करता हूँ करके, लेकिन आज से मैं जल्दी सोऊंगी। ये जल्दी है? हाँ आज तो जल्दी है ना, मैं अभी बिग बॉस देखते बैठती थी, इसके बाद मैं एडिटिंग करती थी, उसके बाद मैं सोती थी, आज वैसे भी मैं आज कुछ एडिटिंग ज़्यादा करूँगी नहीं, सिर्फ ये व्लॉग जो अभी देख रहे हो वो भी मैंने ऑलमोस्ट आधी कर दी है, तो अभी उसकी एडिटिंग करूँगी और सो जाऊँगी। आप लोगों से हम कल मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में या किसी अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।